लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन तो हमने दे दी है, लेकिन अब रिजल्ट कब लगने वाला है इसको लेकर एक अनसर्टनिटी जो है स्टूडेंट्स के बीच में बनी है। और जो मीन टाइम हमको बीच में मिल रहा है उसके बीच में आपको क्या करना चाहिए, इस पे भी आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वैभव और स्वागत है आप सभी का पब्लिक स्पीकर आपके इस यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू डू सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल सो दैट यू विल गेट ऑल द अपडेट्स रिलेटेड टू द एजुकेशन लॉ एंड द लीगल अवेयरनेस। तो जो इम्पॉर्टेंट अपडेट रिजल्ट के रिगार्डिंग मिल रहा है वो ये है कि नवंबर मंथ की फर्स्ट वीक में आपका जो रिजल्ट है वो लग सकता है। इसी के साथ दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। पहली इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो आपको मीन टाइम इसमें मिल रहा है, जो आपको रिजल्ट तक का जो टाइम मिल रहा है, इसमें आपको आपकी जो डॉक्यूमेंट है उसको प्रिपेयर करके रखना है। जैसे कि मैंने बार बार वीडियो में ये कहा था, इसके प्रीवियस वीडियो जो हमने बनाए थे उसमें मैंने ये कहा था कि डॉक्यूमेंट्स ना होने की वजह से या फिर इनकरेक्ट डॉक्यूमेंट होने की वजह से बहुत से स्टूडेंट्स की एडमिशन जो है वो रिजेक्ट हो गई थी। पिछले साल का जो सिनेरियो है उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। इसीलिए आपको जो भी मेन टाइम मिल रहा है आपको सारे डॉक्यूमेंट का जो है वो कलेक्शन करके रख देना है। आपको कौन से डॉक्यूमेंट एडमिशन प्रोसेस के लिए चाहिए, क्या उसका सीक्वेंस रहने वाला है, अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो उसके लिए आपको क्या करना है, क्या कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम एक सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। लेकिन आपके पास अभी जो भी डॉक्यूमेंट होंगे उसको आप कलेक्ट करके रखिए ताकि जैसे ही आपका सीईटी का रिजल्ट लगे उसके कुछ ही दिन बाद आपका जो सीईटी का ऑप्शन फॉर्म का प्रोसेस है वो शुरू होगा। आपको वहाँ पे कॉलेज के प्रेफरेंसेस जो है वो देने पड़ेंगे, उसके बाद आपको कॉलेज अलॉटमेंट होगा और आपको एडमिशन करने कॉलेज जाना पड़ेगा। लेकिन इन सब के बीच में ऐसा होता है कि टाइम बहुत कम मिलता है और इसके बीच में बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि उनके पास डॉक्यूमेंट्स जो है वो अवेलेबल नहीं रहते और उसी की वजह से बहुत बार स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है और बहुत से स्टूडेंट्स की एडमिशन भी जो है वो कैंसिल हुई है। इसी के साथ दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि आपकी जो स्टडी है वो आप शुरू कर दीजिए। आपने लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन दिया है, इसका मतलब आपका एडमिशन जो है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी कॉलेज में तो हो ही जाएगा। इसलिए आपको कोई भी टेंशन नहीं लेना है मैं पास होऊंगा फेल होऊंगा, क्योंकि पास और फेल ये चीज़ सीईटी में होती ही नहीं है। मैंने बार बार आपसे कहा है आपका जो है वो कट ऑफ होगा और कट ऑफ के अकॉर्डिंग आपको आपकी जो रिस्पेक्टिव कॉलेजेस है जो आप ऑप्शन फॉर्म में आपके देंगे वहाँ पे आपको एडमिशन मिलेगी। तो इसमें पास और फेल ऐसा जो है वो इशू ही नहीं है, तो आपको चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इसलिए जो कॉमन सब्जेक्ट्स है जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्ट्रैक्ट है, फैमिली है या लीगल लैंग्वेजेस है, ये सारे कॉमन सब्जेक्ट जो है वो हर यूनिवर्सिटी में है फर्स्ट सेमेस्टर को। इसीलिए अगर आप भी लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन दे चुके हैं तो अभी आप आपका प्रिपरेशन जो है वो शुरू कर सकते हैं। हम भी ये कोशिश करेंगे कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन के हो या फिर फैमिली के हो, कॉन्ट्रैक्ट के हो, वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करने की हम भी आपको कोशिश ज़रूर करेंगे। अगर आपको इसकी ज़रूरत है तो कमेंट्स के ज़रिए हमको ज़रूर बताइएगा। हमारी टीम जो है इस पर भी एक सेपरेट वीडियो बनाना शुरू करेगी और उसकी सीरीज़ के मदद से आप आपका स्टडी जो है वो भी कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये थी दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें। और रिज़ल्ट के बारे में भी जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा कि नवंबर मंथ के फर्स्ट वीक में आपका रिज़ल्ट लग सकता है। सो दोस्तों, आई होप इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी मिली होगी। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और जुड़े रहिए आपके इस YouTube चैनल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।